then it is an identity. Then it is an identity. Clearly articulated there for an identity. A equal to B equal to C equal to 0. For an identity, A equal to B equal to C equal to 0. If it is quadratic equation. If it is quadratic equation. Okay. If it is quadratic equation. Just say for an example mein dal dijiyega x plus 1 whole square. This is going to x square plus 2x plus 1 is an identity. X plus 1 whole square is equal to x square plus 2x plus 1 is an identity. Yeah. 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 Quadratic equation ke kitne root hote hain? Do. Do se zyada root mil jaye. Hum jana tumhari the identity. Kisi bhi equation ke uski degree se zyada root hota hai. Jodi ki agar 4 root mil jaye, jodi ki agar 5 root mil jaye, samajh jana identity. Phir aisa phir har number satisfy karega. ऐसा नहीं है फिर उसे सब 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 सेटिस्फाई करेंगे ये भी ना ना ही पता ना जैसे इट इज एन आइडेंटिटी अब ये आइडेंटिटी क्या बन रहा है ना वो भी समझा देता हूँ आपको इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो कैसे हो गया अलग ये सब प्रूफ है लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके समझा रहा हूँ जब आप इसे खोलोगे तो एक्स पर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा है ना सामने ऑलरेडी एक्स पर प्लस टू एक्स प्लस वन है सही है जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो आप ऐसे ही काट देते हो इसको उधर लेके जाइए आपको पता चलेगा 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 खाली पकड़ में आया नहीं ये जब आप उधर लेके गए तो आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट कॉमन लेने कैसे दिखेगा अब आप देखिए इसका ए कितना है बी कितना है सी कितना है तो इट इज एन आइडेंटिटी देखिए अब आप एक्स की जगह कुछ भी रख दो इसमें इस वाले में आप एक्स की जगह कुछ भी रखो कुछ भी 10 5 15 25 कुछ भी रखो कुछ भी सब सूट करेगा इसमें कुछ भी रख लो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी रखो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड में बराबर आएगा नहीं ऐसा दैट इज एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी होने को उसके इनफाइनाइट रूट होता है रूट इनफाइनाइट नहीं होता इनफाइनाइट रूट्स होता है बात समझ में आई आपको रूट इंफिनिट नहीं बोला मैंने रूट इंफिनिट होने का मतलब रूट एट इंफिनिट रूट इंफिनिट होने का मतलब रूट एट इंफिनिट लेकिन इंफिनिट रूट्स होने का मतलब सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं हम इसको एवरीथिंग इज सेटिस्फाइंग इट कहने पर मान ये आइडेंटिटी है अगर ये आइडेंटिटी है तो अब इसके आगे चलते हैं जैसे सिंपल सा इक्वेशन ले लेना मतलब किसी ने क्वेश्चन में दिया x - a x minus b along with c minus a c minus b plus x minus c upon a minus c plus x minus a upon b minus a is equal to 1 a b c all different right ye de diya hai theek hai na bhai pehli question ye jo maine aapke samne likha kya ye quadratic hai ya nahi hai kya ye quadratic hai ya nahi hai hai dekho aap x square se multiply karoge x square aayega aayega ye jo constant hai नीचे कांस्टेंट है नीचे जीरो थोड़ी ना बन रहा है नीचे में जीरो बनने नहीं करा मैंने साफ साफ मना कर दिया ए बी सी सारे अलग अलग है तो घटने का नीचे जीरो बनेगा ही जो आपको तकलीफ दे ऊपर ये क्वाड्रेटिक इतना हिस्सा क्वाड्रेटिक इतना हिस्सा फिर क्वाड्रेटिक फिर ये फिर क्वाड्रेटिक तो तीन क्वाड्रेटिक जोड़ के क्या देगी क्वाड्रेटिक तो कहने का मतलब पहली चीज ये समझ में आती है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके दिमाग में आएगा Yes, it is a quadratic equation. Second question मेरे पास में है। अब मेरा second question सुनना। First thing अपन एक पहला question क्या पूछा था? है ना? Is it a quadratic equation?
आंसर इज यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक। पहली चीज पे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, मैं क्वेश्चन जानबूझ के अभी बोलना नहीं चाह रहा। सेकंड थिंग, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे इसके दो रूट होने चाहिए, इसके इधर रूट होने चाहिए, तो माने ये दो ही चीजों से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये दो ही चीजों माने दो ही नंबर से सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, क्या इज इट सेटिस्फाइड बाय फर्स्ट थिंग पूछ रहा हूं, ए देखो अब करके एक्स की जगह ए सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखो वन आ रहा है क्या, एक्स की जगह ए रखो, एक्स की जगह ए रखते क्या होगा, जीरो कट गया, एक्स की जगह ए रखते क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कट गया कितना आ गया वन, इधर एक्स की जगह ए रखो जीरो, वन इक्वल टू वन आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू ए से सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब ए इसका एक रूट हो गया। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, देखो क्या है, बी से सेटिस्फाई हो गए, बी रखते कितना हो गया जीरो, बी रखते जीरो और बी रखते बी माइनस सी वन, तो ये बी से भी सेटिस्फाई हो गए, तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से दो रूट तो पक्के कर दिए ना मैंने ए और बी, लेकिन आप दिमाग लगाओ क्या ये सी से भी सेटिस्फाई हो गए, आपको पता चल गया कि ये कितने नंबरों से सेटिस्फाई हो गया, बी से, जबकि होना चाहिए था दो, इसका मतलब पक्की बात ये है 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, आइडेंटिटी बन गया क्योंकि इट हैज मोर देन टू रूट्स, दो नंबर से ज्यादा रूट आ गए मेरे पास में, तो कहने का मतलब यस इट इज सेटिस्फाइड बाय, यस इट इज सेटिस्फाइड बाय ए बी सी ऑल थ्री, सही है भाई, सबसे सेटिस्फाई हो गए, सो इट हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, देन इट्स डिग्री, तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस इट इज आइडेंटिटी, सही भाई, हेंस इट इज आइडेंटिटी। तो अगर कोई मेरे से पूछे क्या ये आइडेंटिटी है, मैं कहूंगा हाँ ये आइडेंटिटी है, कहानी पकड़ मांगी आपको, ऐसे आइडेंटिटी का पता करा जाता है, ऐसे इसकी डिग्री वगैरह का आइडिया लगता है, क्या ये कहानी क्या है, पहली कहानी पकड़ मांगी है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आइडेंटिटी के लिए एक और क्वेश्चन करना है, छोटा सा फटाफट वाला, क्लिक कर गया।
देखिए मैं थोड़ा बहुत लेवल की चीज़ें ग्रासता हूँ, आपको ध्यान रखना है ना। हालांकि ज़्यादा अच्छा तब लगता जब आप भी रेस्पॉन्स करते, लेकिन कोई बात नहीं। लोगों की टिग्नोमेट्रिक थोड़ी बहुत तो होगी ना। हाँ, कितने लेक्चर हो गए? 5 बस, 5 ही हुए हैं। इस वीक में एक भी नहीं हुआ। अच्छा, और बाकी क्या एक लेक्चर बचा है? देखिए साहब, अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है ना, 3-3 इक्वेशन दे दिए हैं कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं लाइनें बचाने की कोशिश में हूँ, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बचाऊंगा, जो चिंता ना करें आप 11th में। क्या मैं इसे a माइनस साइन थीटा अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा अल्फा लिख दूं? सोच लिया आपने? नहीं, पहली इक्वेशन को, अगले वाले को a माइनस साइन थीटा बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा बीटा लिख दूं? कॉस थीटा इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0, सोच लो आप, लिख दूं? अगली वाली इक्वेशन को मैं a माइनस साइन थीटा गामा का स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा गामा लिख दूं? सोच लिया आपने? अच्छा, अब इन तीनों इक्वेशंस को देख करके आपको क्या फील आती है कि ये तीनों इक्वेशंस आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? एक्चुअल में ये एक ही इक्वेशन है और उसका नाम है ए माइनस साइन थीटा एक्स का स्क्वायर, गुड, वेरी गुड, और प्लस बी माइनस कॉस थीटा एक्स प्लस इक्वल टू 0, और इसके कितने 3 रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा। कहानी पकड़ में आ गई आपको? जैसे ये पकड़ में आ गया आपको, तुरंत खट से पकड़ में आ जाएगा, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है 3 रूट, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक हैज 3 रूट्स, इसका सीधा सा मतलब क्या? इंप्लाइज आइडेंटिटी, सही है ना भाई? और जैसे आपको आइडेंटिटी की स्मेल आएगी, आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, जरूर इसका ए बी सी तीनों कितना है? और ए है ए माइनस साइन थीटा, इसके 0 होते ही a इक्वल टू b इक्वल टू और c इक्वल टू, तुरंत क्लिक कर गया। इसका मतलब ये कि ये बंदा इतनी बातों में सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता था, सीधा भी बोल सकता था, लेकिन ये बोलना नहीं चाहता था। क्वाड्रेटिक का रास्ते से आइडेंटिटी निकलो, ये आइडेंटिटी से एबीसी दिलवाए, दिलवाने के बाद अब ये कहता है कि अब चलो पता चल गया है, फिर ये कहता है एक्सप्रेशन लेकर आया। एक्सप्रेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख दूं? 5b स्क्वायर, राइट है? अच्छा, अब अपने को पता है a का मतलब कितना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसे तो कम ही कर दो, लिखो भी मत, ठीक है ना? जितना कम साइन थीटा कॉस थीटा लिखो उतना बढ़िया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ट्रिग्नोमेट्री में दूर ही रहना है कि नहीं। यहां कितना लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस में कितना 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये बात सही है? अब और दिमाग लड़ाते हैं, सही है भाई? धीरे 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 और धीरे सोचते हैं ना। देखो क्या मैं आप पहले धीरे धीरे पूछ लूं, मैं आपसे जो जो भी कहानी है वो पूछ लेता हूं, है ना? क्या आपको यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखवा दूं? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इतना होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 डिग्री तो 2 थीटा तो बता दिया होगा ना सबको? नहीं बताया? अच्छा, और ये भी पता होगा ये 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है भाई, 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहां तो सर 2 नहीं है ना, तो ये 3/2 कर देता हूं, 3 में 2 का डिवाइड कर दे, 2 sin थीटा cos थीटा करता हूं, तो ये क्या बन गया? sin 2 थीटा, श्योर? एक और काम डन,
अच्छा फिर cos स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख रहा हूं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, सोचना साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, नहीं दिखा तेरे को ये नहीं दिखा, cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, मैं उधर लिख लेता हूं। ये यहां तक ही कहानी अगर आपके पकड़ में आ गई फिर दिमाग लड़ाते हैं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उसका एलसीएम आ जाएगा 2 तो एलसीएम कितना आ गया 2 एलसीएम आने के बाद में 2 तो ऊपर चला गया सही है नीचे क्या क्या छूट गया था 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा आगे बोल जाओ आप तो प्लस 5 प्लस 5 cos 2 थीटा पक्का भाई नहीं है अच्छा अब इसको और जमा जमा के लिख देता हूं भाई अपने पास cos 2 थीटा दो बार है एक बार कर दो तो अगर देखा जाए तो क्या क्या बच गया देखो पहले cos 2 थीटा के नाम पे 4 cos 2 थीटा पक्का 3 sin 2 थीटा प्लस अपॉन 2 अच्छा ये जो भी एक्सप्रेशन है मुझे इस एक्सप्रेशन का क्या चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम क्या चाहिए मैक्सिमम अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब इसका मिनिमम चाहिए ये बात आप दिमाग भरो पहले जितना कम ये नीचे वाला होगा उतना ज्यादा ज्यादा आंसर दे जाएगा मुझे इतना तो समझ में आता है ना अच्छा अब एक बात सोचते हैं अगर आप देखो यहां कुछ बच्चे पीछे आ गए हो सकते हैं लेकिन वो जो आधे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री बढ़ चुके हैं वो बराबर आ जाएंगे क्या आपको हल्का फुल्का याद है कि आपको ये बताया जाता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में होता है क्या ये बात ध्यान है इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम अब आप जरा मैच कराओ a sin थीटा प्लस b cos थीटा को इससे थीटा सेम है दोनों का थीटा सेम है थीटा सेम होना पहली शर्त होती है टू थीटा थ्री थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता टू थीटा थ्री थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको इससे मैच करा के बताएगा कोई बच्चा ए कितना है इसका थ्री बी कितना है फोर ये तो पकड़ में आ गया तो इसका मिनिमम इतने हिस्से का मिनिमम इतने हिस्से का मिनिमम क्या होगा कितना रूट ओवर थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस में ये तो कहना चाह रहे हैं आप लोग नहीं है इसका मिनिमम ये होता है तो कहने होता है इसका मिनिमम ये होगा और प्लस में सिक्स चल रहा है चलने दो सही है क्या नहीं है तब देखा जाए तो हमारे पास में क्या रह गया फाइनली टू अपॉन सिक्स माइनस फाइव बोले तो वन और वन होता ही आंसर विल बी टू कहने होता है एक्सप्रेशन का मिनिमम विल बी टू मैक्सिमम विल बी टू सॉरी बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन का मैक्सिमम कितना आ गया टू हालांकि वो थोड़ा बहुत आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा डावाडोल हो गया होगा ये वाला सीन ये अपने को नहीं पता था है ना लेकिन हमें भी नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक खत्म होने को आ रही है और ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई हमें भी तो नहीं पता था ठीक है लेकिन क्योंकि नॉर्मली क्वाड्रेटिक तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है तो ट्रिग्नोमेट्री फेज वन खत्म हो चुका फेज टू खत्म होने को होता है क्या कंपैरिजन कंपैरिजन साइन थीटा के साथ वाला ए है कॉस थीटा के साथ वाला बी है एक छोटा सा रिमार्क फिर आगे चलते हैं ऐसे ही बात पहले छेड़ देता हूं बीच में बस साथ साथ लिख लेना देखो साहब एक छोटी सी बात बताता हूं एक क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं लिख लिया देखे आपने क्वाड्रेटिक क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है पढ़ो इज इट अ क्वाड्रेटिक और नॉट हाँ ऑब्वियस बात है एक्स के ऐसे गुणा होते हैं एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर आती क्वाड्रेटिक कोई रोक नहीं सकता कि क्या ये क्वाड्रेटिक है हाँ है ना अगर किसी ने मेरे को बोला कि इसके रूट्स एम और एन है क्या तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन बोल सकता हूं क्या आप ये बात समझ गए नहीं प्लस के नहीं आएगा क्या मेरी बात समझ गए क्या मैं किसी क्वाड्रेटिक को उसके रूट्स में पता चल जाए तो मैं उसको याद है ऐसे लिख सकता हूं एनी क्वाड्रेटिक ये आपको याद है आपको हल्का हल्का पहले दो चार दिन की बात है कि अगर रूट्स एम और एन है तो मैं उसको क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकता हूं एक और छोटी बात समझना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये के लगा हुआ है ना तब तक ये क्वाड्रेटिक है जब तक ये के लगा हुआ है ना तब तक ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक है और राइट हैंड साइड जो है वो इसके रूट्स हैं कोई देख के बता देगा
अगर भाई जो थोड़ा क्वाड्रेटिक के जानकार हैं तो देखते बता दोगे अच्छा सर ये तो क्वाड्रेटिक है और ये दोनों इसके रूट्स हैं, क्यों? क्योंकि के इसके पास है। बात समझ में आई आपको? अगर गलती से भी ऐसा हो जाए कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा यहीं रह जाए और x माइनस m इंटू x माइनस n के बाजू में माइनस के लग जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये दिख रहा है, अब ये क्वाड्रेटिक हो गई और इस क्वाड्रेटिक के ये रूट्स हो गए। क्या आप ये बात समझ गए? कॉन्स्टेंट की माया आप जरूर ध्यान में रखना, ये कॉन्स्टेंट की वजह से ही आप क्लिक करता है आपको कि कॉन्स्टेंट इधर है इसका मतलब वो रूट्स हैं, कॉन्स्टेंट उधर मतलब ये रूट हैं, याद रहेगा? Yes, हाँ, अब मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है? एम कॉमा एन आर रूट्स, बट इफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स माइनस एन माइनस के, देन अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई और ये रूट्स हो गए खड़ा कर। अगर आपने यहां तक की बात लिख ली तो आगे चलिएगा अगला पॉइंट। ये अपन एक पहला पॉइंट हो गया आज के दिन का, उसका नाम है आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड छोटे मोटी बातें जो ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई? हाँ जी साहब, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, अगले पॉइंट का नाम है कॉमन रूट। यह भी गजब का टाइटल है। इस टाइटल में अपन क्या करने वाले हैं ना, इस टाइटल के अंदर हमको दो क्वाड्रेटिक दी जाएगी। अब रुक जाओ, आप समझ लो बात को, ठीक है ना? उतना छोड़ देंगे अपन, आ जाएंगे दोबारा ना, उतना बोर्ड मेरे काम का थोड़ी ना है, तब एक साथ कॉपी कर लेना। इस टाइटल में अपन क्या करेंगे ना, अपने को दो क्वाड्रेटिक दी जाएंगी। कितनी? दो। शक्ल कैसी होगी? ऐसी। तो अपन ये कंसीडर कर रहे हैं भाई, कंसीडरिंग ए वन एक्स स्क्वायर प्लस है ना बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, पहली क्वाड्रेटिक, और दूसरी क्वाड्रेटिक है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस, सही है? अच्छा मान लो कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सही है? अच्छा इसके रूट्स भी अल्फा और गामा है, तो आप दुनिया को क्या बोलोगे? अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, माने अल्फा दोनों को अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या वो कहानी पकड़ में आ गई? तो हमारे पास में इस पूरी कहानी में दो केसेस होंगे कि क्या दोनों का एक कॉमन रूट है। ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों कॉमन रूट हो, दोनों के दोनों कॉमन रूट हो, कहानी नहीं पकड़ में आई? ऐसा भी हो सकता है कहानी में दोनों के दोनों कॉमन रूट हो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला क्या कि किसी ने बोला तीन एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 18 इक्वल टू जीरो, सही है? एक किसी ने मेरे को ऐसे इक्वेशन दे दी, ठीक है ना भाई? अच्छा एक दूसरी तरफ से किसी ने इक्वेशन दी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या भी बात समझ गए? तब आपको पता लगेगा कि इसके रूट्स 2 और 3 हैं, रख के देख लीजिए आप, 2 और 3 जीरो आ जाएगा, और अगर आपने 2 और 3 इसमें रखे तो भी जीरो आ जाएगा, सही है? लेकिन दोनों इक्वेशंस की अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों इक्वेशंस की अलग अलग आइडेंटिटी होगी, माना आइडेंटिटी वो वाली नहीं अपनी वाली, दोनों इक्वेशंस की अलग अलग आइडेंटिटी है, ध्यान रखना। ये नहीं कह सकते कि अरे सर ये तो वही है, हाँ लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि दोनों के दोनों रूट सेम है, 2 3 इसका भी रूट, 2 3 इसका भी रूट, तो अंदर से हम भी जानते हैं कि दोनों इक्वेशन अंदर अंदर सेम है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इसका रेशो और इसका रेशो और इसका रेशो सेम है। क्या मतलब है इसका? 1/3 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू, क्या आप ये बात समझ गए? नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब अगर दोनों रूट कॉमन हो, दोनों रूट कॉमन हो तो एबीसी प्रोपोर्शनेट होते हैं, एबीसी प्रोपोर्शनेट होते हैं, कहानी पकड़ में आ गई? तो कहना मतलब हमारे पास में हर बार दो कहानियां होंगी। कौन कौन सी दो कहानियां होंगी? पहली कहानी होगी व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन,
जब दोनों रूट कैसे हो, कॉमन हो। अगर दोनों रूट कॉमन है, सोच रहे हैं आप, देन ए बी सी आर प्रोपोर्शनेट। क्लिक कर गया, इसका मतलब क्या, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होगा। लेकिन कहानी में इसमें उतना दम नहीं है जितना दम किसमें, इस वाली कहानी में, व्हेन वन रूट इज कॉमन, जब एक ही रूट कॉमन हो तब क्या होगा, तब इसका बी पार्ट चालू होता है। अगर बाय द वे एक ही रूट कॉमन है तो अभी देखते पता चलता है कि दोनों में कॉमन रूट कौन है, तो अल्फा दोनों को, अगर अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो लिख दूं, इसको मैं ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो लिख दूं, क्या कहते हो आप? अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, टेंथ के एक मेथड से जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सुना आपने इसका नाम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता था, अल्फा स्क्वायर अपॉन, सही है, माइनस अल्फा अपॉन और वन अपॉन, क्या ये बात ध्यान है आपको? फिर क्या करते थे, फिर जैसे अल्फा स्क्वायर की बात चले तो अल्फा स्क्वायर छुपा लेते थे, अल्फा स्क्वायर को छुपाते ही फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, बी सी टू लिख दूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ऐसे फिर ऐसे बी टू सी वन लिख दो भाई, ऐसा, फिर अल्फा के टाइम पे अल्फा को छुपा लो, फिर लिखो ए वन सी टू, ए वन सी टू, दिख रहा है आपको? पहली लाइन नहीं चलेगी, ए वन सी टू माइनस फिर ए टू सी वन, बात समझ में आ गई, माइनस को मत भूलना, ठीक है। अच्छा, फिर वन अपॉन के टाइम पे कॉन्स्टेंट को छुपा लो, फिर कैसे मल्टीप्लाई होगी, वैसे ही ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, सही है। ऐसे में क्या निकाल सकता हूं, अल्फा, कैसे, बस इन दोनों को डील करना है, क्या आपको नहीं लगता? मैं अल्फा को वहीं छोड़ दूं, इसको उधर भेज दूं, अल्फा आ गया। तो एक बच्चे के दिमाग में था, सर अगर अल्फा निकालना ही था तो फिर हमने तीन तीन को क्यों बुला लिया, ये निकाल के दे रहा है ना अल्फा, उसे क्यों बुला लिया? मैंने कहा अगर भाई दवे इन दोनों को डील करता हूं तो इस अल्फा से अल्फा कट गया, इस अल्फा से एक अल्फा कम हो गया, क्या रह गया, अल्फा, ये भी तो अल्फा है। तो एक बच्चे के दिमाग में है, सर अगर ये अल्फा है वो अल्फा है तो ये वाला अल्फा और वो वाला अल्फा तो अलग अलग आएगा ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएगा, तो सर आप असली अल्फा कौन सा लोगे? मैंने कहा अल्फा तो मैं कोई सा भी ले लूंगा, लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए बुला रहा हूं कि दो अलग अलग अल्फा आते ही मैं दोनों अल्फा गायब कर दूंगा और फिर क्या करूंगा, इनका आरएचएस मिला दूंगा, भाई ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो मिला लो भाई आरएचएस, उससे क्या होगा सर, उस फ्यूजन से क्या पैदा हो जाएगा, एक कंडीशन पैदा हो जाएगी, उस कंडीशन का क्या करोगे? अरे वही तो क्वेश्चन की जान होगी, क्वेश्चन में एक्चुअल में अल्फा में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा भी अगर अच्छा क्वेश्चन है ना तो वो क्या चाहता है कि दोनों अल्फा निकाल के ला और दोनों का अल्फा मिला ले, थोड़ी मेहनत कर ज्यादा, नहीं आया कहानी पकड़ में? हाँ अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा तो ऐसे टुच्चू मुच्चू क्वेश्चन है, उसको तो कंडीशन से मतलब है, और कंडीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा इससे निकालो, फिर अल्फा इससे निकालो, और फिर मैच बोथ अल्फा, मैच बोथ अल्फा फॉर कंडीशन, ध्यान रखना कंडीशन के लिए आपको इन दोनों को मैच कराना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन, आप कभी उठा के देखना अपनी एक्सरसाइज 3, दे धनाधन कंडीशन 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 कंडीशन, चार क्वेश्चन मिलेंगे चारों में कंडीशन है, कहानी पकड़ भाई, वो वहां भारी होता है, वहां आपको ये समझना पड़ेगा। लॉक हो गया ये बात क्लिक कर गई, ठीक है ना। अच्छा चलो, जो भी होता होगा सर अब सर्वे पड़ेगी तो देख भी लेंगे, एक बात दिमाग में आती है, ठीक है ना, लेकिन आगे बात करो, रिमार्क सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है, इसको मैं इक्वेशन ए नाम दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन बी नाम दे देता हूं, दे दिया नाम। अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं ए टू इंटू इक्वेशन ए माइनस ए वन इंटू इक्वेशन बी इक्वल टू जीरो,
किसी को समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने पहली इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई करवाई? A2 से। A2 से मल्टीप्लाई करते ही पहला लाइन पढ़ो, यहां तक पढ़ो। A2 से मल्टीप्लाई करते क्या पढ़ने वाला है? A1 A2 अल्फा स्क्वायर। अच्छा सेकंड इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई करी? A1 से। क्या पढ़ने वाला है? A1 A2 अल्फा स्क्वायर। और दोनों का आपस में क्या कर रहा हूं, माइनस या प्लस? तो जैसे मैं घटाऊंगा ये इसका कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर ही कट गया, क्या बच जाएगा? अल्फा। तो मतलब ये कि मेरी नजर अल्फा पे, माने मैं अल्फा निकालने का एक दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भा नहीं रहा। बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब मैं लीडिंग कोफिशिएंट मैच करा रहा हूं, लीडिंग कोफिशिएंट मैच करा रहा हूं, हटा रहा हूं, लीडिंग कोफिशिएंट सेम करके घटा दूंगा, अल्फा स्क्वायर ही कट जाएगा। उम्मीद है आपको घटाना ज्यादा पसंद आता होगा मल्टीप्लिकेशन से, सही है ना? इसीलिए बच्चा हर बार कोई दूसरा रास्ता पूछता है, इसमें तो वो ऐसे ही सुनता है जैसे आप सुन रहे थे कि भाई बोल दो भाई, इतना गंदा गंदा सुनता हूं तो ये भी सुन लूंगा, ठीक है ना? लेकिन ये जैसे याद है ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। तो जैसे आप इसको घटाओगे इक्वल टू जीरो, देन फाइंड अल्फा। कहानी पकड़ में आ गई आपको? अल्फा निकालने का ज्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, फिर बच्चे का दिमाग है और इस कंडीशन का क्या होगा? मुझे तो आपने ही बताया कि कंडीशन के लिए इतना लंबा रास्ता पकड़ा आपने। मैंने कहा कंडीशन के लिए क्या आएगा वो सुना, देन फाइंड अल्फा एंड पुट वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दे, इन एनी इक्वेशन फॉर कंडीशन। अच्छा कंडीशन ऐसे भी निकाली हस्ती है? हाँ ऐसे भी निकाली हस्ती है, घटा ले, घटा के खटक से अल्फा निकाल और अल्फा को वापस उड़ा के इक्वेशन में रख दे, ये भी तेरे पास एक तरीका है अल्फा निकाले। क्या बात समझ गए मेरी? Yes, नहीं आई बात समझ में? आगे अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये तो वो पहला रिमार्क। सेकंड रिमार्क, इफ इन टू इक्वेशंस, इन इफ इन टू गिवन इक्वेशंस, इक्वेशंस ठीक है ना, एनी इक्वेशन इज कंप्लीटली गिवन, कंप्लीटली गिवन, बात समझ में आपको? दो इक्वेशन जो दी जा रही है उसमें से आपने ध्यान से देखा कि एक इक्वेशन आपको पूरी दी गई है, एक इक्वेशन में ए और बी के नाम पे कुछ छुपा लिया गया है, एक इक्वेशन उन्होंने पूरी दे दी है। कैसी दे दी? पूरी पूरी अच्छे से दे दी आपको। कहानी पकड़ में आ गई? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसमें कुछ छुपाया तो नहीं? अगर मेरे को जैसे ही दो इक्वेशनों में मेरे को पता चल गया एक इक्वेशन पूरी दी है, चेक डी, चेक डी, आप तुरंत से बोलो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का डी। कोई बच्चा बोल सकता था 9 माइनस 16 कितना आया? -7। डी कैसा आया? डी नेगेटिव होते रूट, इमेजिनरी, इमेजिनरी की खास बात बाय वन गेट वन फ्री, याद आ गया? कॉन्जुगेट होते हैं। इसका मतलब ये कि उस केस में क्या होगा, अगर उसने बोल दिया कि वन रूट इज कॉमन तो हम दूसरा रूट अपने घर से नहीं लगा सकते, वो तो जबरदस्ती आएगा। नहीं है समझ में? आप अगर ध्यान है ना, कॉन्जुगेट पेयर है भैया, कॉन्जुगेट पेयर कैसे भूल सकते हो आप? तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर एक रूट कॉमन है तो दोनों ही होंगे फिर तो, क्योंकि दूसरा तो जबरदस्ती माथे पड़ता है। नहीं है उसमें, आप ऐसे थोड़ी ना कि ये वाला रूट नहीं लूंगा, वो तो आपको फ्री में मिल गया, एक को एक्सेप्ट करो दूसरा आ गया। नहीं है तो याद रखना, अगर बाय द वे दो इक्वेशन दे रखी है देन चेक डी, ठीक है ना? That is not a question of one common root, तब वो एक common root का question नहीं रह गया। Now it is both root common, बात समझ में आ गई आपके? Both root common, हाँ ध्यान रखना, ये धोखा भी हो जाता है, देता एक है होता दो है। कहानी पकड़ में आ गई? खड़क से कॉपी हो जाए बस।
हाँ जी भाई चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू सी। हैव अ कॉमन रूट, फाइंड इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट्स। देखिएगा साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितनी क्वेश्चन दिख रही है आपको? पक्का? अच्छा दोनों में बी और सी आपस में इक्वल तो नहीं है ना, मतलब मैं इन्हें घुमा तो नहीं सकता। अच्छा इसमें कितने रूट कॉमन बोल रहे हैं? एक रूट कॉमन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है साहब और दूसरी का, तो मुझे किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत, सीधा घटा दूं मेरे पास कॉमन रूट आ जाएगा, कर दो लेस, कर दिया कर दिया कर दिया, ये गया इधर एक्स के कॉमन आते क्या बच गया बोलो? अच्छा यहां कितना बचा? उधर भेजने पर जीरो के उधर भेजूंगा ना, क्या बचा बताइए? कॉमन रूट कितना आ रहा है? एक्स इज इक्वल वन। इसका मतलब मेरे को यहां एक बात क्लियर हो गई है कि दोनों का कॉमन रूट कौन है? वन है। अब मैं इतनी बात तो अभी समझा सकता हूं आपको कि इसका मतलब मैं इसको आगे ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो अगर मेरे को दे दिया जाए तो मैं खट से नहीं समझ जाऊंगा कि इन दोनों का कॉमन रूट क्या है। मान लो कि ये अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा, और इधर एक अल्फा है तो दूसरा रूट, ये दोनों तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब अल्फा और गामा क्या है इसके, इन दोनों इक्वेशन के अनकॉमन रूट। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसका मतलब बीटा और गामा आर अनकॉमन रूट्स। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? और वो चाहता है कि मैं इन अनकॉमन रूट से बनने वाली क्या बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूं आपको। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? लेकिन मेरे पास बीटा और गामा तो है ही नहीं, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कौन सा रास्ता जिसे मैं बीटा निकाल लूं। तो आप में से कौन मेरे को इसमें देख के बता देगा कि पहली इक्वेशन, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, पहली इक्वेशन के लिए अपने पास में क्या क्या अवेलेबल है? सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट बोलो आप तो मेरी तरफ से सम ऑफ रूट है बीटा प्लस वन, और आपका आपकी तरफ से माइनस बी। अच्छा मेरी तरफ से प्रोडक्ट ऑफ रूट है बीटा, मेरी तरफ से प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा, और आपकी तरफ से सी, तो इसका तो बीटा इज इक्वल टू सी, तो बीटा आ गया ना। नहीं है आपको मेरी बात नहीं समझ में आई? पहली इक्वेशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट है वन इंटू बीटा, अरे वन इंटू बीटा मतलब बीटा, दैट इज गिवन सी बाई वन, सी बाई वन, सी बाई ए से सी बाई वन, तो कितना आ गया सी, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू सी, अरे वही तो चाहिए था। और सेकेंड इक्वेशन से, इक्वेशन टू से प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलिए साहब, प्रोडक्ट ऑफ रूट वन इंटू गामा बोले तो गामा, और गामा इज इक्वल टू कितना है बी, तो आपको बदल गया फाइनली गामा इज इक्वल टू बी। क्या ये बात सही है क्या? अब बस बीटा भी आ गया और गामा भी आ गया, और आपको क्या चाहिए थी? ऐसी इक्वेशन जो इनसे बन जाए अनकॉमन रूट से, श्योर है? लेकिन इस पूरी दौड़ भाग में आप एक चीज मिस कर गए। मैंने आपको बोला था एक बात, क्या कि आपका काम है हर बार एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा के कॉमन रूट निकालना और फिर उसे वापस इक्वेशन में रखना, जिसे मेरे पास क्या आएगी कंडीशन। कहीं आप भूल गए क्या? जरूरत पड़े ना पड़े आपका काम है कंडीशन निकालना। अल्फा इज इक्वल टू वन आ गया था, एक्स इज इक्वल टू वन किसी भी इक्वेशन में रख दूं, अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी तो इक्वेशन वन में एक्स की जगह पर वन रखते ही मेरे पास क्या क्या आ रहा है कंडीशन के नाम पे आ रही है वन प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो। लिख दो भाई क्या मैं मुद्दे पाता हूं, मेरे पास बीटा और गामा अनकॉमन रूट आ गए, तो इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट, इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट कितनी हुई एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बीटा प्लस गामा की जगह बी प्लस सी,
एक्स, और इसकी जगह बी सी इक्वल टू में कितना? आपको पता चला बी प्लस सी कितना है? कहां से? कंडीशन से। अब आपको क्लिक कर गया, कंडीशन फायदा ही देती है हर बार। तो कहना मतलब यहां पे कितना लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। सो फाइनली इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। क्या आपको क्लिक कर गया भाई? बात समझ में आ गई है कैसे करना है? पहले काम घटाना है, कॉमन रूट निकालना है, हाथों हाथ इक्वेशन में रख देना है, जरूरत पड़े तो वो बाकी काम भी कर देगा। क्लिक कर गया ऐसे, है ना? कॉपी कीजिए आप, तब तक मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं। हाँ जी साहब, पहली चीज मैं आपसे, इससे पहले कि आप दौड़ करके पहला क्वेश्चन कॉपी कर डालो, मैं आपसे फटाफट से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जरा क्वेश्चन को देख के बताइए कितनी क्वेश्चन है, कितने रूट कॉमन बता रहा है? कोई खास बात जो मैंने रिमार्क में बोली दिख रही है आपको? क्या कंप्लीट गिवन है? हाँ या ना? मैं लिख लेता हूँ, कंप्लीटली गिवन, कंप्लीटली गिवन। अगर ये दोनों पूरी दी गई, आप मेरे घटक से बता सकते हैं डी कितना होगा? हाँ बोल रहा है एक बच्चा, 16 माइनस 20 नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव? डी के नेगेटिव आते हैं, मैं क्या समझू? एक रूट कॉमन या दो रूट? सही है ना? इट इंप्लाइज दैट इट हैज बोथ इक्वेशंस हैज टू रूट्स कॉमन। सही है भाई? और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए? प्रोपोर्शनेट नहीं आंदा यार? अगर दोनों रूट दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन है तो इसका मतलब क्या क्या प्रोपोर्शनेट होगा बोलेगा वो बच्चा? 1/1 इजिकल टू माइनस 4/a इजिकल टू 5/b। श्योर है? इसका मतलब a इजिकल टू माइनस 4 एंड b इजिकल टू 5। कम डन नहीं है? कितना सिंपल क्वेश्चन। नहीं, अगले पे आ जाता हूं। ये कॉपी कर लो ना भैया। हैं नहीं, हम भी सोचो प्रोजेक्टर लेकर के आ जाएं यहां। पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है? आपको थोड़ा बीच में से फिर ड्रैग कर रहा हूँ, अब तब तक आपने हो सकता पहला क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो। जरा देखिएगा फटाफट से, देख के बताइए कितनी क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन पढ़ दो, 4x² sin² θ माइनस 4 sin θ x प्लस 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन पढ़ो, a² (x² आगे b² (प्लस c² (कुछ फील आई साइक्लिक
है कि नहीं भाई? इसका मतलब इक्वेशन टू जो है वो कैसी है? साइक्लिक क्या? साइक्लिक कोफिशिएंट्स, साइक्लिक कोफिशिएंट्स याद आ गया आपको? इट है साइक्लिक कोफिशिएंट। किसी को याद है साइक्लिक कोफिशिएंट होने पे क्वाड्रेटिक का एक रूट वन। इसका मतलब ये कि इक्वेशन टू हैज वन रूट एक्स इज इक्वल टू वन, श्योर है? अच्छा लेकिन आप ध्यान से पढ़ो तो ये क्या कह रहा है? सेकंड इक्वेशन हैज, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब दूसरा रूट, दूसरा रूट भी वन हो गया। एक रूट तो वन इसलिए हुआ क्योंकि वो साइक्लिक है, और दूसरा रूट वन इसलिए हुआ क्योंकि दिया है नहीं है आगे गया। बट आगे क्या बोलूंगा? बट क्वेश्चन हैज गिवन इक्वल रूट्स, सही है भाई? क्वेश्चन ने कैसा दे दिया? इक्वल रूट दे दिया, इंप्लाइज बोथ रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू वन, सही है भाई? दोनों रूट ही क्या हो गए? वन वन। अब आप जल्दी सोच के जवाब देना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन का एक रूट वन और एक रूट भी वन, माने मेरे दोनों रूट वन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कितने रूट कॉमन है? एक रूट कॉमन है। आपको पता चल गया कौन सा है वो? वन, क्योंकि दूसरे इक्वेशन के पास कोई और रूट ही नहीं है। क्या मुझे कॉमन रूट निकालने की जरूरत है? ये मिल गया, मिल गया। इसका मतलब मैं इक्वेशन टू पे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाता हूं, मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि इसका मतलब एक रूट वन है। इसका मतलब ये कि आगे मेरे को फिर इंप्लाइज में लिख देना चाहिए। सो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हैज कॉमन रूट एक्स इज इक्वल टू वन। अगर दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट एक्स इज इक्वल टू वन है तो मुझे एक्स इज इक्वल टू वन उठा करके रख देना चाहिए। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू वन उठा करके इसमें रख देता हूं तो मेरे लिए क्या बन गया? फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में है सर ये किसी का होली स्क्वायर है शायद, ये किसका? टू साइन थीटा प्लस वन या माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अच्छा किसी का स्क्वायर जीरो तभी होता है जब वो खुद जीरो हो। इसका मतलब मुझे यहां से समझ में आ गया कि इसका मतलब पक्का टू साइन थीटा माइनस वन जीरो है। इसका मतलब साइन थीटा, अब साइन थीटा वन बाई टू कब होता है? क्या 30 डिग्री और 150 डिग्री, 30 डिग्री और आप में से किसी का ध्यान पड़ रहा है इस बात पे कि थीटा मेरे को कहां से काम है? जीरो से पाई माने 180। तो मेरा एक आंसर 30 बोलूं या दोनों बोलूं? दोनों 30 और 150। तो आप बोलो तो 30 डिग्री 150 डिग्री आपके लिए और मेरे लिए पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, ऐसा बोल दूं? चलेगा? सही है, मुश्किल था, इसमें कॉमन रूट का कोई टच ही नहीं था, सही है? नाम का ही कॉमन रूट था, कुछ कॉमन रूट के लायक काम ही नहीं था, है ना भाई? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के बारे में बताएंगे। फर्स्ट किया था तू फर्स्ट वाला, है ना भाई? फर्स्ट हटा रहा हूं मैं तब तक। ये आपको कहानी तो पकड़ में आ गई ना? ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो आपके को खोपड़ी उड़ा गया? अरे मेरे को ऐसी बात ही नहीं बोली। आप अपनी शीट देखोगे तब आपको ज्यादा दर्द होगा कि अच्छा है अपन तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करे। लेकिन ध्यान रखना अगर आपने शीट को ऐसे सोचा कि शीट कोई मेजरमेंट है कि क्लास में कितना पढ़ा और कितना समझ में आया तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। शीट आपकी दूसरी कॉपी है जो आपको दोनों करनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना? आप उसमें थोड़ी अपनी मेंटालिटी चेंज कर लें। अगले भाई का क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो इज डबल ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। हाँ भाई बड़े ध्यान से फिर से आपको एक नए तरह के क्वेश्चन को उलझा रहा हूं। वही मेरा पहला क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है हर बार की तरह से। कितनी क्वेश्चन लिखी पढ़ा आगे अपने क्वेश्चन दोनों इक्वेशंस को पढ़ने के बाद में क्या लिखा आगे मैंने कि अगर ऊपर वाले इक्वेशन का रूट जो है वो नीचे वाले इक्वेशन का डबल है। कहीं इसमें कॉमन रूट की कोई बात सुनी आपने? कॉमन रूट तो नहीं बोला ना मैंने कहीं?
मैंने क्या बोला, ऊपर वाली इक्वेशन का रूट नीचे वाली का डबल है, यही बोला ना। अगर मैंने ऐसा बोला तो आप सोचिए कि यही तो है ना, कि मैं इसको ढंग से लिखता हूं और मैं आपसे खड़क से एक बात पूछता हूं, मेरे को लपक के जवाब देना। अगर इसका किसका रूट किसका डबल है, नीचे वाली का रूट ऊपर वाली का डबल है, माने ऊपर वाली का रूट डबल है नीचे वाली का, नहीं है कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो उसका एक रूट दो अल्फा और गामा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना। अरे हाँ यार, ये बात तो समझ में आ गई ना, इसका एक रूट दूसरे का डबल है। मैंने दोनों रूट के लिए तो नहीं बोला ना, एक रूट दूसरी रूट का डबल है, इतना तो समझ में आ गया या नहीं आया। अच्छा एक छोटी सी बात बताइए कि अगर अल्फा इसका रूट है और टू अल्फा इसका रूट है, दोनों अपनी अपनी इक्वेशंस को, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टू अल्फा लिखते इसके लिखता हूँ फोर अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और दूसरे इक्वेशन के लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू जीरो, लिख दूं। आप में से कोई देख करके बता सकता है कि ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ये सब नहीं दिया होता ऊपर, ये दो इक्वेशन दी होती, आप में से कितने लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है और उसका नाम अल्फा है, क्योंकि अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब ये टू अल्फा और अल्फा की बात नहीं रही, अब मैं कह सकता हूं नाउ बोथ रूट्स, नाउ बोथ इक्वेशन, सॉरी नाउ बोथ इक्वेशन हैज वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, और नेम क्या है उसका, नेम अल्फा, अल्फा नाम है सब उसका, क्या भी बात समझ गए, उसका नाम क्या है अल्फा, अल्फा दोनों का कॉमन रूट है। अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो मुझे तो अल्फा की जरूरत है नहीं, नहीं मुझे अल्फा की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, एक ही, एक ही मुझे किसकी जरूरत है, एक ही, लेकिन जाना तो भैया अल्फा के रास्ते ही पड़ेगा, क्या करूं, चार से मल्टीप्लाई करके घटा दो या फिर कोई आपकी बार अपन वो वाला तरीका लगा के देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस बेचारे को छुआ भी नहीं है, या घटा के ही काम चलाएं, घटा के ही काम चलाएं, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या करें, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, फोर अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस, और इसको चार से मल्टीप्लाई करते फोर अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस इक्वल टू जीरो कर दूं, नहीं है माइनस प्लस माइनस, सही है हटा दूं, इधर कितना बचा, इधर कितना बचा, माइनस का ए उधर जाकर के ए बन गया। अब टू अल्फा इज इक्वल टू ए है तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई टू, अब क्या करूं, मेरे को आंसर अल्फा में थोड़ी नहीं चाहिए था, अच्छा अल्फा की वैल्यू इसमें रखूं या इसमें, पहले वाले में कि दूसरी में, किसी में भी, हाँ ये जवाब ज्यादा बेहतर है किसी में भी, लेकिन आसान ये लग रही है, रख दो। अगर मैंने इसमें रख दिया तो आप को पता है मैंने a by 2 रखते ही ये कितना हो जाएगा, a square by 4, इसमें रखते ही a by 2 plus 3a equal to 0 कर दूं, अच्छा 3a में से आधा a चला गया ढाई, a ही है क्या, चलो a में से a by 2 गया a by 2, तो मैं फाइनली लिख दूं a square by 4 plus a by 2, फाइनली दोनों में कॉमन आ गया a by 2, श्योर अंदर बचा a by 2 plus 1, तो दो बातें होंगी साहब, कौन कौन सी दो बातें, एक तो a by 2 equal to 0 नहीं है एक बात, या तो a by 2 equal to 0 इसका मतलब a equal to 0, या a by 2 is equal to इसका मतलब a is equal to minus 2, अब दोनों आंसर सही है या एक ही सही है, अगर a equal to 0 का आपने चुन डाला तो क्या होगा, a equal to 0 रखते ये दोनों साफ हो जाएंगे, नहीं मैंने इसमें रखी ना a square by 4, हाँ मैं क्या कर रहा था, क्या मेरे पास में दो आंसर है, एक तो a is equal to 0, अगर मैंने a equal to 0 रख दिया तो ये हटा दूं, क्योंकि तो हट ही गया, ये तो 0 ही हो गया ना, तो हट जाएगा। आप बताएंगे x square minus x बराबर 0 पहली इक्वेशन दिख रही है, दूसरी क्या दिख रही है, x square minus x equal to 0, कोई मेरे को बताएगा x square minus x equal to 0 के कई बच्चों को दोनों रूट पता होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1 कैसे निकाले, कॉमन ले लो, अरे x into x minus 1 equal to 0, 0 और 1, इसका मतलब इसका रूट भी 0 1, इसका रूट भी 0 1,
तो फिर एक रूट दूसरे का दुगना हुआ ही कहां? तो हम तो शर्त ही पीट दी। हमारी शर्त तो ये थी कि एक रूट दूसरे का डबल हो, जीरो और वन दोनों के दोनों रूट आ गए, दो ऊपर वाले के भी रूट, ये भी नीचे वाले के भी, यही तो फिर डबल का हुआ। कहानी पकड़ में आई? तो इसका मतलब हमारे लिए बेकार है ये। इसका मतलब इक्वल टू जीरो मैं नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? इज इक्वल टू माइनस टू। कहानी पकड़ में आ गई होगी, है ना? चलिए।